700 से ज्यादा किसानों की शहादत होने पर इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, मुझे क्या, मेरे लिए थोड़े ही मरे। सच कहा था मोदी जी, आपकी वजह से मरे थे, आपके लिए नहीं, आपकी वजह से मरे थे, आपके अहंकार की वजह से मरे थे, आपके हठ की वजह से मरे थे, आपके कारण 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई थी और वो सिलसिला अब फिर से शुरू हो गया। पहले ज्ञान सिंह, फिर मंजीत सिंह, अब पंजाब के 21 वर्षीय शुभकरण सिंह की हरियाणा की निरंकुश बर्बर पुलिस की गोली से हत्या हो गई। किसके मत्थे मढ़ा जाएगा ये? कब पेट भरेगा आपका, कब मन भरेगा? कितने नौजवानों की शहादत और होगी, कितने किसान और बड़ी होंगे जब आपके कलेजे को ठंडक पहुंचेगी? क्या मांग रहे हैं ये किसान? जो आपने वादा किया था उसी की तो पूर्ति मांग रहे हैं। वही तो कह रहे हैं जो आपने कहा था आप कर देंगे आज से 2 साल पहले, लेकिन आपने आज तक किया नहीं। कौन है ये किसान? वो निहत्थे लोग जो दिल्ली आना चाहते थे, दिल्ली जिसको आपने अपनी बपौती समझ के हर रास्ता बंद कर दिया। कौन है ये निहत्थे किसान जो धरती का कलेजा फाड़कर जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओले, आंधड़, आतप में फसल उगाता है, आपको और हमारा पेट भरता है? कौन है ये किसान? ये वो निहत्थे लोग जिनके बच्चे, जिनके लड़के सरहद पे हमारी सुरक्षा करते हैं और जब उनका शव आता है शहादत के बाद तो तिरंगे में लिपट कर आता है। 200 से ज्यादा किसान घायल हुए, आधे दर्जन से ज्यादा किसानों की आंख की रोशनी आपकी पुलिस की छर्रों की वजह से चली गई। कितने ही किसानों को सर पे चोटें आई हैं, आपकी बर्बर पुलिस ने घुसकर उनके टेंट, उनकी रहने की जगहें फाड़ डाली, तोड़ डाली। क्या मिल रहा है आपको? कहां से आती है इतनी बर्बरता? ये दुश्मन है आपके? ये एटीट्यूड तो आपको दिखाना था चाइना और पाकिस्तान को, जहां पर आपके मुंह से नाम नहीं निकलता है चीन का। अपने देश के किसानों के साथ इस तरह दुश्मनी कौन निभाता है? आंसू गैस के गोले ड्रोन से देख देख के कौन फेंकता है? कौन सीमेंट की चट्टानों को वहां लगा देता है? कौन कीले गाड़ देता है? और हर वो आवाज जो किसानों के लिए खड़ी होगी उसको बंद करने का काम आप कर रहे हैं। ट्विटर, जो एक्स के नाम से अब जाना जाता है, उसने कहा है कि अकाउंट और पोस्ट्स को बंद करने का काम आप करवा रहे हैं। ट्विटर इस बात की खिलाफत करता है। सतपाल सिंह, एक और किसान का बेटा, खड़ा हुआ आपकी आंख में आंख डालकर, उसने सत्य क्या दिखाया आपको, उसके घर रेड करा दी। क्यों कराई रेड? आपने तो उनको गवर्नर बनाया था। असलियत यह है कि आपके मन में इस देश के अन्नदाता के लिए रत्ती भर आदर नहीं है। आपके लोग पिछले किसान आंदोलन में उनको गालियां बकते थे, आज बताते हैं कि अन्नदाताओं का कोई महत्व ही नहीं है। असलियत यह है कि यह देश सब देख रहा है। इस देश में जिसने अन्नदाताओं से बैर मोल लिया है वो जीता कभी नहीं है। याद नहीं है कैसे घुटने टिकवा दिए थे इन्हीं किसानों ने और कैसे नाक रगड़ के आपको अपने तीनों काले कानून वापस लेने पड़े थे? अन्नदाता इस देश की आत्मा है। हर क्रूर तानाशाह को लगता है कि वह अजय है, लेकिन हर क्रूर तानाशाह डरपोक है। आप डरपोक हैं, आप डरते हैं मोदी जी इन किसानों से, और इसलिए डरते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये निहत्थे लोग जब उठ खड़े होते हैं सीना तान कर गोली खाने को, तो ये बड़े बड़े तानाशाहों को उठाकर और उखाड़ कर फेंक देते हैं।